हमीरपुर जिला से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। जिला हमीरपुर के भोरंज विधानसभा क्षेत्र में एक महिला के बाल काटने के बाद उसका मुंह काला कर दिया गया। इस पूरी घटना को महिला के ही ससुराल वालों ने अंजाम दिया। स्थानीय लोगों ने अपने मोबाइल फोन पर इसका वीडियो रिकॉर्ड किया, लेकिन किसी ने भी ससुराल के लोगों को ऐसा करने से नहीं रोका। वहीं इस मामले पर मुख्य सचिव हिमाचल सरकार प्रबोध सक्सेना ने कहा कि यह मामला काफी दुर्भाग्यपूर्ण है और सरकार के संज्ञान में है। हिमाचल प्रदेश में इस तरह के मामले सामने नहीं आते हैं। उन्होंने कहा कि स्थानीय प्रशासन मौके पर मौजूद है और तफ्तीश कर रहा है और आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने इस मामले पर कहा कि महिला के साथ इस तरह के अत्याचार में कोई भी ढील नहीं बरती जाएगी और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। हिमाचल देवभूमि है और इस प्रकार के कृत्य पर सरकार कड़ा रुख अपनाएगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने SP हमीरपुर को मौके पर जाकर घटना की जानकारी लेने के निर्देश दिए हैं। अभी SP हमीरपुर से बात हुई, वहाँ पर 5 लोगों के खिलाफ महिला के जो शिकायत दर्ज की है उसमें 5 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज वहाँ जो है भोरंज थाना में हुई है और अभी उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए खुद SP वहाँ जा रही है। उन महिला से वो मुलाकात करेगी और इसकी बड़ी सख्ती के साथ जो कानूनी कार्रवाई है इसमें जो भी फैक्ट्स होंगे किसी तरह की भी कार्रवाई है सख्ती के साथ अमल में लाई जाएगी और पुलिस और कानून अपना काम करेगा। लेकिन अभी इसकी पूरी जानकारी का इंतज़ार किया जा रहा है कि घटना कैसे हुई है, क्या और इसके पीछे कौन लोग हैं। ये पूरी जानकारी के लिए SP हमीरपुर खुद इस मौके पे गई हैं और उस महिला से मुलाकात करने वाली है। जैसे ही उनकी मुलाकात होती है उनको इसकी जानकारी मिलती है, ये ज़रूर है कि FIR हो चुकी है और उसमें 5 लोगों को जो है उसमें शामिल किया गया उस FIR में। स्वाभाविक तौर पे ये मामला बहुत गंभीर है और महिलाओं के खिलाफ इस प्रकार का अत्याचार हिमाचल प्रदेश देवभूमि में किसी भी तरह से सहन नहीं होगा। सरकार का और माननीय मुख्यमंत्री जी का सीधे तौर पे इसमें जो है सख्त से सख्त कार्रवाई इसमें की जाएगी। यानी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद है और सरकार ने इसका बहुत सख्त संज्ञान लिया है। मौके पे जो स्थानीय अफसर हैं वो इसकी जांच कर रहे हैं और उसके बाद वो रिपोर्ट सरकार को देंगे। सरकार के स्तर पर भी इसके बारे में जो भी कार्रवाई करनी होगी वो हम करेंगे, क्योंकि इस प्रकार की घटनाएँ हिमाचल में प्रायः होती नहीं है, इसलिए ये बहुत गंभीर है और पूरा प्रयास होगा कि व्यक्ति को न्याय मिले और ऐसी कोई घटना की पुनरावृत्ति ना हो। सर, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से आप रिपोर्ट लेंगे कि क्या? बिल्कुल, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन मौके पे है और उनसे रिपोर्ट लेके जैसा कि मैंने आपको बताया कि सरकार के स्तर पे भी कुछ कार्रवाई करनी होगी तो वो की जाएगी।